गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी भाई सुबह हो रही है और मैं आया हूँ अपने जॉब पे, और अभी थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। और फ्रेंड्स, आज का होप कि यार आज आपको ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा हटके दिखने वाला है, क्योंकि हटके इसलिए दिखने वाला है मेरे भांजे भांजी भी आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये है कि अभी ना हमारे घर के बाहर एक शादी का फंक्शन है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपका ब्लॉग आपको छोटा ही देखने को मिले, 5 से 7 8 ही मिनट का हो सकता है, हो ज़्यादा भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जिस हिसाब से मेरे को लग रही सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि घर का काम है अपने, तो फिर वहाँ पर ब्लॉग शूट करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह मैं आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा सीन यहाँ का होगा, और अगर मैं कहीं अदर जगह पे जाता हूँ तो फिर वहाँ पे भी आपको ना फ्रेंड्स वो देखने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग पे हमारे कंटिन्यू बने रहिएगा, और होप कि आप लोग उठ गए होंगे, नाश्ता चाय पानी आपका जो भी है वो सब हो गया होगा। बाकी आप हमारे वीडियो पर इंजॉय करते रहिएगा, और मैं अभी आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में लंच के बाद, और एक बार मैं आपको बैग भी यहाँ से दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, ये जो आप जंगल देख रहे हैं ना पीछे भाई, ये एक नाला टाइप का खुद चुका है, और इसके पीछे पहले हम लोग जानवर चराया करते थे भाई, देख सकते हैं जंगल ही जंगल है ना फ्रेंड्स यहाँ पे सारा का। और जस्ट इस साइड में ये भाई बहुत बड़ी कंपनी साइड बनी है, और ये सब भाई लड़के हैं अपने, यहाँ पे सारे दोस्त हैं, और विशाल भाई अपना वहाँ पे है, नवल भाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाकी आप बने रहिएगा ब्लॉग पे, हम आपको दिखाते हैं जो भी होता है आज की डेट में। फ्रेंड, अभी का सीन ये है भाई, मैं तो आया हूँ घर पे, आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पर फ्रेंड, और तंबू वम्बू लग चुका है, और मेरे घर में अभी ताला जो पड़ा है ना फ्रेंड, तो जिसके चलते यार अपने को मम्मी को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद खाना खाना पड़ेगा। बन तो बहुत कुछ रहा है फ्रेंड, बट यहाँ पर खा तो सकती नहीं है, चाउमीन है, आलू की टिक्की विक्की हैं, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, बट देख सकते हैं फ्रेंड वैसे खा नहीं सकते हैं। और हम आपको एक बार यहाँ पे बैक कैमरे का व्यू दिखाएंगे, और दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके फिर वीडियो शूट करने में थोड़ा सा शर्म टाइप की लगेगी, वैसे मैं दिखा दूँगा आपको। और ये जो शादी हो रही है मेरे ही परिवार में हो रही है, मेरे चाचा लगते हैं उन्हीं की है, और जो कार्यक्रम हो रहा है ना फ्रेंड ये सब मेरे खेत में ही प्रोग्राम जो चल रहा है वो है। बाकी घर तो देख ही रहे मेरा, और इस साइड में कार्यक्रम में बहुत 3 खेत इनके टेंट में लगे हैं भाई, मेरे 10-10 विश्वा के खेत होते हैं ना फ्रेंड्स, वो तीनों इसी में गए हैं, मेरा वाला तो पूरा ही लॉस में चला गया है। बाकी एक बार मैं आपको यहाँ पे बैक कैमरे का व्यू दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, कुछ सीन यहाँ पर भाई इस टाइप का चल रहा है, और मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा पूरा सिस्टम बनी रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लगने वाली हैं भाई, लाइट वाइट है, पूरा कार्यक्रम है, उस साइड में भी है, और मेरे ही घर में कुछ चीज़ें बन रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भाई देख रहे हैं ना, ये सब जो भी कार्य हो रहे हैं ना, ये सिर्फ एक दिन के लिए हैं, और एक दिन भी नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये कुछ चंद घंटों की बात होती है। इसके लिए देखो फ्रेंड कितने लोग होते हैं ना जो व्यस्त होते हैं, और कितना सारा काम करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो भी कोई आता है रिलेशन से अपने थोड़ा सही हो, तो फ्रेंड यही सब चीज़ें होती हैं, हम लोग नहीं हैं, जितने भी लोग होते हैं A to Z जिनको भी ये करना होता है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, अब भी भाई हमारा रिसु आ गया हमारे साथ, और ये देखो बिटिया भी आ गई है, साक्षी है, ये यहाँ पर क्या है बिटिया पता है कुछ है? अरे बारात है, तिलक है। रिसु क्या है? रिसु को हमारे देखो पता है तिलक है। और तुम लोगों ने कपड़े लिए अपने लिए? नानी लेकर आ रही है। नानी लेकर आ रही हैं, क्या पहनोगे? क्या रिसु तुम क्या पहनोगे? हाँ कोट पैंट। बिटिया तुम? और तुम बिटिया तुम नहीं आओगी क्या? ये आएगी बिटिया मेरी, और देख रहे कितनी क्यूट सी लगती है, शर्मा रही है। बाकी फ्रेंड्स, आप इस साइड में देख सकते हैं भाई, यहाँ पे हमारा वाला तो हो चुका है बहुत बड़ा वाला,
हाँ बढ़िया। स्मार्ट गंदे हैं कौन ये लोग, क्या करते हैं? मारते हैं। और ये देखो भाई, हमारे सरसों भाई, अब देख ही सकते हैं यार, हमने बो रखे थे सब भाई, टूट चुके हैं यहाँ पे। और ये तम्बड़ है, और बहुत सारे बच्चे भाई यहाँ पे, जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं। और ये कांड हो चुका है भाई, बहुत तगड़ा वाला। और एक पर्सन नहीं बैठा यहाँ पर भाई, हमारा बैठा है करण। करण भी बैठा है भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये भाई हमारा है सुमी, और ये है सुमित, हर्षित हर्षित नाम है इसका। और फ्रेंड यार यहाँ पे भाई सरसों वरसों तुम्हारे एक किनारे भी हो चुके हैं। और रिसु हमारा देखो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। रिसु तुमको पता नहीं है यहाँ पर क्या है? रिसु को पता है, बिटिया को नहीं पता था। क्या है? क्या है? तिलक है। तिलक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सब चीजें देखो होता ये है ना। और फ्रेंड ये जैसे बच्चे ना एक्साइटेड हैं यहाँ पर इस चीज को लेकर ना भाई, कभी हम भी कभी ना इन सब चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे कि भाई शादी है, हमें जाना है। अब ना फ्रेंड्स वो सब चीज़ें ना होती है ना, वो रियलिटी में मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें ना हट गई हैं। अब इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मेन रीज़न ये होता है ना फ्रेंड्स कि यार जब बंदा कोई ना काम करने लगता है ना, तो फिर उसे सिर्फ मनी ही दिखती है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। और फ्रेंड्स ऐसा होता है सभी के साथ, आप भी जब कभी छोटे हो गए, अगर आप छोटे बच्चे ये देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपकी एज 21, 22, 23 है तो फिर ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। शादी में जाना, अब उम्र हो चुकी है, बच्चों वाली ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और ना ही हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यार शादी है, अभी शादी होगी ना भाई। फ्रेंड मैं सच्ची में बोल रहा हूँ ना, मैं तो जाता हूँ ना तो खाना भी नहीं खाता हूँ। खाना क्या, मुश्किल का एक पूरी दो पूरी, बस थोड़ा सा पनीर या छोला खा के अपना काम हो जाता है फ्रेंड। बाकी ये होता था कि छोटे में ना फ्रेंड हम लोग इतना घूमते थे, इधर उधर डांस करते थे, तो खाना ज़्यादा हो जाता था। अभी ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। बाकी मैं हो सकता है आपको शाम को यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं अभी जॉब से आया हूँ ना, तो फिर ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि लंच है 1 घंटे का, उसी में मैंने खाना खाया है, मेरे पास अराउंड 30 मिनट बचे हैं बस। तो फ्रेंड्स यही था, मैंने सोचा आपको दिख। हमको लगता है तुम वीडियो देखते कहाँ हो, देखा तुमने कहीं एक बार वीडियो? फ्रेंड मैंने इसके वीडियो बनाना छोड़ दिया ना अब, तो भाई ये ना ये वीडियो नहीं देखता मेरे। क्यों? अरे गेम खेलते हो। कौन सा गेम खेलते हो भाई? देख रहे अभी इनकी एज पता क्या, बहुत ज़्यादा 5-6 साल है बस, और गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मुझे भी नहीं पता है, इतना ज़्यादा इनको पता हो चुका है अभी। कौन सा गेम खेलते हो? कौन सा खेलते हो? फ्री फायर। बाकी फ्रेंड्स अभी मैंने जो आपको दिखाया है वो सब जो कार्यक्रम दिखाया वो घर का है, बाकी आपको जो नाइट में फ्रेंड्स वो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा सीन। और फ्रेंड्स यहाँ पे भाई बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं, अब मैं आपको इनसे मिलाने वाला हूँ। और सबसे भाई कॉमेडी भाई अपना है श्रीवास्तव, जिनको अब देवा बताने वाला है कि क्या कहते हैं इनको। और इधर अपना बेटा है भाई नवल और धनंजय, और सैनी भाई को तो आपने मेरे ब्लॉग में देख ही रखा है ऑलरेडी पहले से। तो भाई तुम ये बताओ श्रीवास्तव भाई, तुम जाना क्यों चाह रहे हो कंपनी से? इससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए जाना चाह रहा हूँ। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए जाना चाहते हो, तो देवा कुछ कहना चाहते हो? ये लाला है, लाला है श्रीवास्तव कहते हैं, लेकिन लाला बुद्धि ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए भाई इनको पैकेज ज्यादा कहीं मिल रहा है, तो भाई ये निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। यहाँ से परेशान हो चुके हैं, परेशान आत्मा है। तो बाकी फ्रेंड्स यही है, अपनी टीम है, इन्हीं के साथ अपना काम होता है, और ये हमारे सीनियर भी हैं, जैसे कि देवा ने भी काम कर रखा है, शिवा भी हमारे श्रीवास्तव भी सीनियर हैं। वैसे बैठे जो भी पर्सन हैं ये सब सीनियर हमारे, वो उम्र में बेशक छोटे हों, बट इनको एक्सपीरियंस जो है ना फ्रेंड्स ग्रोफर का है। और नवल भाई जो है ना वो मेरे साथ अमेजोन में काम कर रखा है ऑलरेडी। बाकी ब्लॉग पे आप हमारे एंजॉय करते रहिएगा, और जो भी होता है वो हम आपको सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे।
क्या ये पानी अच्छा नहीं लगेगा? बाबू इधर देखो तो एक बार इधर देखो, तो भाई फ्रेंड्स तो हो सकता है यार आपको वॉइस सॉन्ग की आ रही हो, बट जो हमारा कार्यक्रम था कुछ ऐसा था। बाकी आपको मैंने स्लोमो में दिखा दिया है और अपने भाई अंकित, जैसा कि आप देख रहे हैं अंकित भाई अपने, और फ्रेंड कोशिश करेंगे आपको आवाज़ आ रही हो। विपिन भाई अपना आ चुका है भाई, यहाँ पे शूटिंग चल रही और यहाँ पे चल रही है क्या वीडियो बनना गाइस, जैसे आपने आपके लिए ही बना रहा हूँ। और यार अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आप इंजॉय करते रहिए वीडियो में हमारे। तो फ्रेंड्स यार अभी नाइट हो, मैं तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था मैं वैसे, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी और घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए थे। और यहाँ का कूड़ा कचरा देख ही सकते हैं भाई, शाम के यार यहाँ क्या था और अभी सुबह क्या है, वो वाले खेत में ये वाले तीन खेतों में ना भाई फ्रेंड्स, एक इनका जो कार्यक्रम था वो हो रहा था। और वैसे ये हमारे जो है ना इनको क्या बोलते हैं, हमारे चाचा, ये हमारे चाचा ही हैं, तो उनके खेत में ये कार्यक्रम था भाई। तो और मेरे खेत का भाई ना बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लॉस क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो भी है ना ये सारे कचड़े भाई मेरे खेत में है, और ये पता नहीं यार ये साफ करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड कल का भाई ब्लॉग आपको यार कैसा लगा है, जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप कि यार आपको ब्लॉग तो पसंद ही आया होगा ऐसे, क्योंकि मैंने अपने उससे तो बहुत ही बेटर बनाने की सोचा था कि मैं बेटर से बेटर आपको ब्लॉग दे पाऊँ यहाँ पर, और जो भी पॉसिबल था वो मैंने आपको शो किया दिखाया। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती हैं, और वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ना भाई इनके, जैसे कि ये देख रहे हैं चम्मच फ्रेंड्स ना, ये चम्मच चम्मच जो है ना इनके भाई ऐसे बहुत सारे न्यू ही हैं, बट ये क्या है अनयूज हो चुके हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स जो भाई लोगों ने खाई नहीं है, मैं आपको एक बार बैक कैमरे से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। और तो होता ही है ना फ्रेंड्स कि हम लोग ना ऐसे शादी में सारे कार्यक्रम करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि नहीं होती हैं ना, तो फिर वो लगता है कि भाई नहीं है, और उनकी वजह से लोगों की इंसल्ट भी हो जाती है यार कि आपके वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली थी। बट प्रेजेंट टाइम पे टिश्यू पेपर आप देख सकते हैं कितने सारे पड़े हैं, और ये सारे के सारे फ्रेंड्स न्यू हैं, इनको लोगों ने यूज़ नहीं किया। बट अगर यही ना होते ना तो बहुत बड़ा वाला लोचा होता कि भाई उनके वहाँ पे हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, बहुत सी चीज़ों का इनके वहाँ पे लॉस हुआ है और बहुत सी चीज़ें जो है ना नुकसान भी उनका हुआ है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई करने की, और यहाँ पे कुछ बोना भी है मेरे को क्योंकि ये खेत अभी ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा। बाकी यार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार विजिट करते हैं ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जय हिंद और जय भारत। फ्रेंड्स हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में कुछ नहीं ले जाना, जैसे ये शादी ख़त्म हो गई है वैसे एक दिन हम लोग भी ख़त्म होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, हंसते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।